हेलो बच्चों बच्चों, ये असाइनमेंट डे 24 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस बी 36, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के का डिस्टेंस के स्क्वायर का सम। मान लेते हैं ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स वाई जेड, ऐसे ले लेते हैं। ये पॉइंट को हमने यहाँ से ऐसे ले लिया, पी पॉइंट ले लिया हमने, और पी पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, और पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जेड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पी पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस से उसका स्क्वायर ले लो, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लो, जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लो, और उनको ऐड कर दो, तो उनका जो सम आएगा वो 36 आएगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ये पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कहाँ से, ओरिजिन से, ये डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये 90 डिग्री है ना, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से, पी ए, इसका स्क्वायर ले लो, पी ए स्क्वायर प्लस पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होगा, पी बी, तो पी बी स्क्वायर। पी पॉइंट का डिस्टेंस जेड एक्सिस से क्या होगा, पी सी, तो पी सी का स्क्वायर। इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का सम क्या गिवन है, 36 गिवन है। तो बोल रहा है कि पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो पी ए क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रूट अंडर एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। ये तो पी ए मिला, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर क्या करेंगे, प्लस पी बी, पी बी क्या होगा, ये एक्स माइनस जीरो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड प्लस क्या होगा, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, और प्लस क्या होगा, पी सी, पी सी क्या होगा, स्क्वायर रूट लिया हमने, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या मिलेगा हमें, 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 18, ये मिल गई ना। अब क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये पी ए निकालना है, सॉरी ओपी निकालना है। तो ओपी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये तो ओरिजिन है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, रूट 18, रूट 18 क्या होगा, 3√2। देख लो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ से क्या मिला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0
ओरिजिन दे रखा है ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो जीरो बी जीरो 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 सी। बोल रहा है क्या कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो इन चार पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। पहला पॉइंट दे रखा है ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, दूसरे पॉइंट को हमने ए मान लिया, ये क्या दे रखा है ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। फिर थर्ड पॉइंट को हमने मान लिया बी, तो ये क्या है जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है उसको मान लिया हमने सी, जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। तो बोल क्या रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो इन चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब इन चारों पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो हमने मान लिया कि लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है इन चारों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस बोलने का मतलब कि ओ पी ये किसके इक्वल होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, ठीक है ना। तो ओ पी इज इक्वल्स टू पी ए है, तो यहाँ से क्या होगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर पी ए स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा। ओ पी स्क्वायर कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर और जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड पी ए का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या मिल गया बच्चे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स प्लस एक्स माइनस ए और यहाँ क्या होगा एक्स माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या मिला ये 2x माइनस ए इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से a की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू a बाई टू, ठीक है। सेम लाइन में जब तुम op इज इक्वल्स टू पी बी करोगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा op स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा b बाई टू, ठीक है। और जब OP इज इक्वल्स टू तुम PC करोगे, इम्प्लाइज क्या होगा ये OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर। तो यहाँ से Z की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, C बाई टू, ठीक है। और हमारा जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, X कॉमा वाई कॉमा जेड। तो X का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X की वैल्यू क्या लिखोगे, A बाई टू बी बाई टू एंड C बाई टू। देख लो A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, वन। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पॉइंट टू द ओरिजिन, ओरिजिन से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। और हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से उसको हमने ए अज्यूम कर लिया, तो हमें क्या मिल गया एक्स कॉमा वाई कॉमा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पॉइंट है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। और क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट को ओरिजिन से, मीन्स ओ ए फाइंड आउट करना है। तो ओ ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यही होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ वन डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे वन डालोगे, वन माइनस वन जीरो, तो फिर हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवेन है, वन, तो रूट अंडर वन इज वन। तो देख लो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या मिला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देख लो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ए हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज डेट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन फोर में। क्या बोल रहा है, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके तीन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1, 2, 3, दूसरे का माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, तीसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 2, तो बोला फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स निकालो। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, 3, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, बी, इसको हमने क्या बोला, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 2, 2, 3, 2, तो बोल रहा है कि हमें फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया अल्फा, बीटा, गामा। फिर हमारे पास फिगर में क्या गिवन है, फिगर में गिवन है कि ये जो है हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट अगर एम माना, तो एम जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा एज वेल एज बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट एम, एम पॉइंट का बच्चों अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे बी डी के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस वन बाई टू, और यहां से क्या हो जाएगा, बीटा माइनस टू बाई टू, और यहां से क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस वन बाई टू। और इसी एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम ए सी के लॉन्ग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टू बाई टू, और क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री बाई टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू बाई टू, ऐसे आ जाएगा ना। अब बच्चों ये दोनों कोऑर्डिनेट तो इक्वल है, ये तो ये भी पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट है, ये भी पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट है, और ये भी पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट है, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, अल्फा माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन प्लस टू बाई टू, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फोर, तो अल्फा का वैल्यू फोर आ गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा माइनस टू बाई टू इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री बाई टू, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सेवन। फिर जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, गामा माइनस वन बाई टू, यहाँ से क्या होगा, थ्री प्लस टू बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स। तो हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या बोला, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, फोर, बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, सेवन, और गामा की वैल्यू क्या मिली, सिक्स। तो फोर सेवन सिक्स, देख लो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या मिल रहा है हमें, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन फाइव में, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए पैरेलल पाइप इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स। एक पैरेलल पाइप बनाया जा रहा है फॉर्म्ड बाय द प्लेन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेलल पाइप इज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल पाइप हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। पैरेलल पाइप क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। एक पैरेलल पाइप हमने बनाया, ठीक है। अब ये जो पैरेलल पाइप हमारा बना, ये देखो पैरेलल पाइप होता क्या है, ये तो क्यूबॉइड होता है ना, ये हमने एक पैरेलल पाइप बनाया। अब ये जो दो प्लेन है ना, एक प्लेन यहाँ देखो, ये प्लेन और एक ये प्लेन, ये दोनों जो प्लेन्स हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। अब पहला जो प्लेन बन रहा है ना, वो किस पॉइंट से बन रहा है, जो पहला प्लेन है
वो पहला जो प्लेन बन रहा है मान लो कि वो बन रहा है ये वाला प्लेन, उसके क्रॉस्पॉन्डिंग एक पॉइंट दे दिया इसने 5, 8, 10, 5, 8 और 10, और जो ये दूसरा प्लेन बन रहा है ना इसके क्रॉस्पॉन्डिंग एक पॉइंट क्या दे दिया 3, 6, 8। तो क्या बोल रहा है तुमसे, मान लेते इस पॉइंट को पी, तो क्या बोला है, देन द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ द पैरेललोपाइप, इस पैरेललोपाइप के डायगनल का लेंथ बताओ। तो बेटा यही होगा ना डायगनल, ये हमारा बच्चे डायगनल यही हो जाएगा ना, ये हमारा डायगनल हो जाएगा। तो डायगनल कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ डायगनल क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगनल रूट अंडर 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर, 5 - 3 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा, 8 का मतलब 2√2, सॉरी 4 to the 8, हाँ ठीक है, क्या जाएगा 2√2। तो इसका आंसर तो यही आ रहा है 2√2, तो 2√3 देखता हूँ आंसर क्या गया मैंने, 5 का ए 2√3, नहीं बच्चों इसका आंसर होगा ना 2√2, यही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लो, 5 - 3 8 - 6 एंड 10 - 8 4 12, अच्छा ठीक तो है, सॉरी ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 12 होगा ना, तो 2√3 ठीक तो है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, ये चार पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के, पैरेललोग्राम या नन ऑफ दीज, देख लेते हैं। हमने एक पॉइंट को मान लिया, पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल बना लिया, इनके चार वर्टिसेस लिख लिए 5 - 4 2, दूसरा हमने ले लिया 4 - 3 1, तीसरा हमने ले लिया 7 - 6 एंड 4, और डी हमने ले लिया 8 - 7 और 5। ठीक है, ये चार हमने वर्टिसेस ले लिए। अब ये बोल रहा है कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इन साइड का लेंथ निकालते हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड सर इक्वल होगा, रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड सर इक्वल एंड डायगनल सर इक्वल, स्क्वायर होगा तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल सर इक्वल। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, साइड का लेंथ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ए भी क्या हो जाएगा 5 - 4 1 स्क्वायर, -4 + 3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ए बी के बाद बी सी निकालते, दूसरा ये साइड लेंथ निकालते बी सी, ये क्या हो जाएगा 7 - 4 होल स्क्वायर एंड -6 + 3 होल स्क्वायर एंड +4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 4 3 तो 9, -3 तो अगेन 9 एंड 4 - 1 3 तो 9, √27। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी फाइंड आउट करते हैं। तो सी डी के लिए क्या हो जाएगा 8 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 6 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर,
तो 8 माइनस 7 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ये अगेन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, एंड AD फाइंड आउट करते हैं, तो AD क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। 8 माइनस 5 हो गया 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9, तो √27। तो देखो AD हमारा क्या आ रहा है, ये √27 आ रहा है, फिर BC क्या आ रहा है, ये भी √27, और उसके बाद AB क्या आ रहा है, ये √3 एंड √3। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम स्क्वायर तो खत्म हो गया, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, एक तो बात है कि अगर इन दोनों का डायगनल इक्वल आ गया तब तो ये रेक्टेंगल है, और डायगनल इक्वल नहीं आया तब तो ये पैरेललोग्राम है, तो नन ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन ख़त्म ही हो गया। अब डायगनल का लेंथ निकालना पड़ेगा, डायगनल का लेंथ निकाल लो। पहला डायगनल क्या है हमारे पास, AC डायगनल का लेंथ निकाल लो। AC क्या होगा, √5 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 6 2 माइनस 4, 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, -4 प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 7 माइनस 2 तो ये हो गया 4, और 6 माइनस 4 2 तो ये भी हो गया 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 तो ये 4, तो क्या हो गया, √12, तो क्या हो जाएगा, 2√3। दूसरा डायगनल निकाल लो, एक तो AC डायगनल हमें मिल गया, दूसरा डायगनल देख लो BD क्या होगा, 8 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 3 5 माइनस 1, BD 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो BD क्या हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 4 4, तो 16, 7 माइनस 3 4, ये भी हो गया 16, ये भी 16, तो √48। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो AC डायगनल है ये नहीं इक्वल है BD के, ठीक है, इसका मतलब है ABCD जो है हमारा रेक्टेंगल नहीं है, तो फिर क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, हमारे पास एक YZ प्लेन है, मान लेते हैं कि YZ प्लेन है, ये क्या हमारा YZ प्लेन है। बोला है कि ये जो YZ प्लेन है, इस लाइन सेगमेंट को फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2 4 एंड 7, और ये हो गया पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 5 एंड 8। और इसको मान लेते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है इस YZ प्लेन को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि बताओ कि ये जो YZ प्लेन है इस PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं R जो है हमारा पॉइंट λ = 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल डिवीज़न अप्लाई करते हैं, अननोन रेशियो में क्या करते हैं, इंटरनल डिवीज़न अप्लाई करते हैं। अगर तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब कि जो डिवीज़न है हमारा इंटरनल है, और अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आ गई तो उसका क्या मतलब है कि डिवीज़न एक्सटर्नल है। तो लैम्डा की वैल्यू अप्लाई कर दो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटरनल डिवीज़न अप्लाई करो, क्या होगा, λ × 3 3λ, 1 × −2 −2 अपॉन λ + 1, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया,
फिर क्या होगा, लैम्डा इंटू माइनस फाइव तो माइनस फाइव लैम्डा, वन इंटू फोर तो फोर अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। फिर जेड कोऑर्डिनेट के लिए एट लैम्डा, वन इंटू सेवन प्लस सेवन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये क्या मिल गया हमें, ये हमें पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये जो पॉइंट आर है किस प्लेन पर लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पर, तो वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यही है ना एक्स कोऑर्डिनेट। तो ऐसे लिखेंगे सिंस पॉइंट आर लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन पर लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो थ्री लैम्डा माइनस टू अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, टू बाई थ्री। तो सबसे पहली बात क्या है कि लैम्डा की जो वैल्यू मिली है वो पॉजिटिव मिली है, इसका मतलब जो डिवीज़न है वो इंटरनल है, और किस रेशियो में है, टू इज टू थ्री रेशियो में। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इंटरनली इन द रेशियो टू इज टू थ्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन नंबर सेवन, सॉल्यूशन नंबर एट। सॉल्यूशन एट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो टू इज टू थ्री एक्सटर्नली। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस टू थ्री फाइव है, एंड क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान लेते हैं वन माइनस फोर एंड सिक्स है। एक जो तीसरा पॉइंट है इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, टू इज टू थ्री रेशियो में। मान लेते ये पॉइंट आ रहा है, ये पी क्यू को टू इज टू थ्री रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस टू, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थ्री। मीन्स क्या होगा, पी आर अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा टू इज टू थ्री। डिवीज़न हमारा क्या, एक्सटर्नल डिवीज़न है, तो टू इज टू थ्री रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीज़न अप्लाई कर दो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, टू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो ये क्या हो जाएगा टू, फिर बीच में माइनस, फिर थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स से, तो ये माइनस टू से, थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स अपॉन क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर से तो माइनस एट, फिर माइनस थ्री को करेंगे थ्री से तो माइनस नाइन अपॉन टू माइनस थ्री। क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फिर टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से, तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व, और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो क्या होगा फिफ्टीन, बीच में माइनस तो टू माइनस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस सिक्स अपॉन माइनस वन, माइनस सेवनटीन अपॉन माइनस वन, ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एट सेवनटीन एंड थ्री। तो देख लो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन में, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस दिस दिस। हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालो, मीडियन का लेंथ निकालो। तो हमने क्या किया, पहले तो ट्रायंगल बना लिया, एक पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो ज़ीरो सिक्स, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो फोर ज़ीरो, और तीसरा क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, सिक्स ज़ीरो ज़ीरो, सिक्स ज़ीरो ज़ीरो। मीडियन का मतलब क्या हो गया, पहला तो ये मीडियन हो गया, इसको हमने एम वन पॉइंट मान लिया, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, बी एम वन और एम वन सी, दूसरा मीडियन ये हो गया, ये हमारा M2 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इसी का, तो ये दोनों इक्वल हो गया। जो तीसरा मीडियन है, इन दोनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, उसको हमने M3 बोल दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है,
अब बच्चे M1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0। M2 का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 3। M3 का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0, फिर 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 2, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, ऐसे मिल गया। अब AM1 पहला क्या है मीडियन, AM1 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखोगे, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो AM1 पहला मीडियन क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 9 प्लस 4 प्लस 36। तो AM1 का लेंथ हमें क्या मिला, 36 प्लस 4 49, फॉर रूट अंडर 49 तो ये हो जाएगा 7। पहला लेंथ हमें मिल गया 7। उसके बाद जो दूसरा लेंथ है वो है हमारा BM2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 9 25, एंड 25 प्लस 9 रूट 34, ठीक है। एंड जो BM3, जो तीसरा लेंथ ऑफ BM2 हमें क्या मिला, यहाँ से लेंथ ऑफ सेकेंड मीडियन ये रूट 34। उसके बाद क्या है, BM3 लेंथ ऑफ थर्ड मीडियन, यहाँ से देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो BM3 क्या मिल गया हमें, 36 प्लस 4 प्लस 9 ये भी आ गया हमारा 7, 40 प्लस 9 49 तो 7 आ गया। तो लेंथ ऑफ मीडियन हमें क्या मिल गया, पहला लेंथ ऑफ मीडियन BM3 ये भी 7 आ गया। दो मीडियन का लेंथ तो हमें 7 मिला, और तीसरे मीडियन का लेंथ क्या मिला, 34। तो देख लो 7 7 34 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हमें क्या मिला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो गया यहाँ से, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द पॉइंट दिस ये चार पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल किसका है। फिर वही बात, हमने क्या किया, ऐसे करके एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया, उनके ये वर्टिसेस मान लिए। और दूसरा हो गया बी 7 माइनस 4 7, और सी हमारा हो गया 1 माइनस 6 एंड 10, और डी क्या हो गया हमारा, माइनस 1 माइनस 3 एंड 4। सबसे पहले तुम क्या करोगे, चेक करोगे, सबसे पहले तुम चेक करोगे इनके साइड का लेंथ। तो ए भी निकालो, ए बी का लेंथ निकालो, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 तो 4 प्लस 9 प्लस 36 ये हो गया 7। बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 होल स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 10 होल स्क्वायर।
सेवन माइनस वन सिक्स, तो ये हो गया 36 प्लस 4 प्लस 7 माइनस 10 3, तो 9, तो ये हो गया अगेन 7। सी डी निकाल लो, सी डी क्या होगा हमारा, माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 10 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, ये अगेन हो गया 7। ठीक है, उसके बाद डी ए फाइंड आउट करो, डी ए क्या होगा 5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 4 प्लस 9, ये भी हो गया रूट 49, तो 7। तो हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, इन चारों का लेंथ क्या मिल गया हमें 7। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो है कि रेक्टेंगल नहीं है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। अगर तो ये स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा, इसके डायगनल्स इक्वल होंगे, रोम्बस होगा तो डायगनल्स अन इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें डायगनल्स को भी कैलकुलेट करना होगा, लेंथ ऑफ डायगनल हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हमारा डायग्राम है, तो पहला लेंथ निकालो डायगनल का ए सी, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 होल स्क्वायर 4, तो ये हो गया 16 प्लस 25 प्लस 81, ये क्या हो गया 6 प्लस 6 1 9 10 12 122, एसी का लेंथ हमें मिल गया। अब आ जाओ बी डी, बी डी का क्या होगा, ये बी डी फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर माइनस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8, तो ये हो गया 64 प्लस 1 प्लस 7 4 माइनस 7 3, तो 9, क्या हो गया 74। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डी, तो डायगनल का लेंथ इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डैट ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी क्या बन जाएगा हमारा इज अ रोम्बस। दिस इम्प्लाइज डैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।